मित्रों नमस्कार, मैं हूं सादिक और आप देख रहे हैं ऑनलाइन एक्टिंग गुरु। एक्टर बनने का सपना कैसे पूरा होगा, आज का ये सवाल है। सभी लोग एक्टर बनना चाहते हैं, सभी लोग फिल्म के लाइन में काम करना चाहते हैं, सीरियल्स में काम करना चाहते हैं, एक अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि अपने उस सपने को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या मशक्क़त करना पड़ेगी, कितनी मेहनत करना पड़ेगी? कोई ऐसे ही एक्टर नहीं बन जाता है। ये तो आपने बड़े बड़े एक्टर्स के इंटरव्यू में देखा होगा कि उन्होंने किस तरह से मेहनत करी, किस तरह से स्ट्रगल करा, कितनी परेशानियां उठाईं, तब जाके वो उस मकाम पर पहुंच पाए। हम सपना तो देख लेते हैं कि हमें एक्टर बनना है, मगर उस सपने को पूरा करने के लिए क्या आप वो प्रयास कर रहे हैं? क्या आप उन कामों को कर रहे हैं जो आपका सपना पूरा करे? मैं आप सब लोगों से ये सवाल कर रहा हूँ। सभी लोग एक्टर बनना चाहते हैं, सभी लोग अभिनय की दुनिया में जाना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, ऑन कैमरा काम करना चाहते हैं, सीरियल में काम करना चाहते हैं। आपको पता है, आप सभी लोगों के बहुत सारे मेरे पास वीडियोस आते हैं, अपने अपने ऑडिशंस आप लोग भेजते हो। मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप अभी तक अपनी लैंग्वेज पर काम नहीं कर पाए हैं, अपनी भाषा पर काम नहीं कर पाए हैं, अपने अल्फाजों पर काम नहीं कर पाए हैं। जो आप अल्फाज बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं, आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। आप ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि आपके जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रहे हैं। जो आप कहीं बोलते हैं, प्रनाउंस करते हैं, तो वो शब्द आपके ख़राब होते हैं। उनको कैसे आपको सही करना है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। सबसे ज़रूरी, आप बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज चलती है, वो लैंग्वेज जो आपको सही से आना चाहिए। किसी कैरेक्टर में अगर कोई लैंग्वेज है किसी ग्रामीण क्षेत्र की, किसी गांव के व्यक्ति की, तो वो कैरेक्टर की डिमांड है, उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। मगर आपकी अपनी खुद की लैंग्वेज जो आपकी शिष्टाचार की भाषा है, उसे सही करना बेहद ज़रूरी है। उसे तो सही करिए कम से कम। अगर आप उसे सही नहीं करेंगे तो एक दूसरे से कैसे बातचीत कर पाएंगे, अपनी बात कैसे कह पाएंगे? जब आप बोलते हैं कि हम प्रयास करते हैं और हम मशक्क़त करते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मोस्टली मेरे पास आप लोगों की वीडियो के ज़रिए आते हैं या आप लोगों की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास आती हैं, तो मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत सारे अल्फाजों में कमी है, जो अल्फाज आपको सही करना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखिए, सबसे ज़रूरी है कि आप सब लोग रीडिंग करिए, अच्छी कहानियाँ पढ़िए और अच्छी कहानियों को सुनिए। एक लिसनर होना बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सुनिए, अच्छी चीज़ों को सुनिए, आलतू फालतू चीज़ों को मत सुनिए। आप बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर हैं, आप देखते हैं, उनसे सीखते हैं। अच्छी चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छी स्टोरी सुनिए, आप ऑडिबल पर जाइए, वहाँ अच्छी कहानियाँ आपको मिल जाएंगी, जो सुनने को मिलेंगी आपको। जब आप सुनोगे तो आपके पास बहुत सारे शब्द यानी कि बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे, जो सही वर्ड्स आपके पास आ जाएंगे, और ख़राब वर्ड्स से आप उनको मैच करा के देखिए, क्या आप जो बोल रहे हैं वो सही है और जो आपने स्टोरी में सुना है वो सही है। उनको मैच करिए, क्योंकि जो स्टोरी में आप सुन रहे हैं वो प्रोफेशनल लोग हैं जो स्टोरी आपको सुना रहे हैं, तो वो शब्द बिल्कुल सही होगा जो वो बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मेरा शब्द, हमारा शब्द ख़राब है, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि उसको पहले सही करें। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मैं काफ़ी दिन से इस पर एक वीडियो बनाने की सोच रहा था, तो मैं आप लोगों को बस उसका एक रास्ता बता रहा हूँ कि अगर आपको एक्टर बनना है, अच्छा एक्टर बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है, तो अपने अल्फाजों पर काम करिए, अपने शब्दों पर काम करिए, अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज पर काम करिए, अपनी आवाज़ पर काम करिए। ये बेहद ज़रूरी है। और आप अगर इसको नहीं करोगे और आप इसको हल्के में लोगे, तो क्योंकि ये आपका बेस है, ये आपकी आपका आधार है, आपकी बुनियाद है, ये अगर ख़राब होगी तो आप कहीं भी सफ़र नहीं कर पाओगे, कहीं भी आप अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाओगे। हर जगह प्रॉब्लम्स आएंगी, हर जगह आपके जो वे ऑफ टॉकिंग है, बातचीत करने का तरीका है, शिष्टाचार का तरीका है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं प्लीज़ आप तो सभी लोगों से कहता हूँ, आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं बनिए। हर किसी का सपना होता है कि वो एक्टर बने, अभिनेता बने, अच्छी सीरियल्स में काम करे, फिल्म में काम करे, बॉलीवुड में अपना नाम रोशन करे, मगर ये ऐसे संभव नहीं हो पाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए,
आपको अपनी चीज़ें सही करना बेहद ज़रूरी है। आप रीडिंग करिए, आप अच्छी स्टोरीज सुनिए, ऑडियो स्टोरीज की बहुत सारी एप्लीकेशन है, वहाँ जाके आप सुन सकते हैं। रीडिंग करिए, ये आप मामूल बना लीजिए रोज़ का, आपको ये रोज़ करना है। आप इसको बिना नागा करते जाइए, आप देखिए आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। जब आपकी भाषा अच्छी हो जाएगी तब आप अच्छे से डायलॉग्स बोल सकते हैं, अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए आप सब लोग, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग अपनी वीडियोज़ भेजते हैं और आप लोग ऑनलाइन सीख भी रहे हैं मेरे से। बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन एक्टिंग सीख रहे हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उनके अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें उनकी बेटर हो गई हैं। और अब तो कुछ दिन बाद कुछ लोग काम करना शुरू करेंगे सीरियल्स में या फिल्म में, तो बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोग सीखते हैं और मैं तो चाहूँगा कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कुछ सीखना, ऑनलाइन क्लासेस करना, तो मैं मीसा सर का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, प्रॉपर चाहते हैं कि एक एक्टिंग मेंटर आपको सिखाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को तैयार करना। आप तैयार हो जाओगे तो अच्छे से काम करोगे, नाम रोशन करोगे अपने परिवार का, अपने शहर का, और एक अच्छे अभिनेता बन जाओगे। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक, वरना बहुत लंबा हो जाएगा, ज़्यादा बातचीत करूँगा। और बाकी आप लोग चाहते हैं अगर किसी और टॉपिक पर मैं वीडियो आपके लिए लाऊँ, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए बनाऊँगा। थैंक यू, नमस्कार।